कुछ बोलना पड़ेगा तुम्हें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, अभी बताएंगे बोलो। उधर चालू कीजिए। ठीक हो गया ना? अब आप देखना चाहिए अपना फोन। अरे हो गया, आज हो गया, हो गया। नीता ही गौर प्रमाण दे हरी 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 कृष्ण। इसलिए कलयुग में हरि नाम का सिवाय और कोई रास्ता नहीं। इसलिए चैतन्य भागवत में आता है, एक समय कोई एक ब्राह्मण था, उसकी मन में एक प्रश्न है। प्रश्न किया बोले कलयुग में साधन किया और कलयुग में साध्य किया है। अभी उन्होंने ये प्रश्न बहुत लोगों को किया है, लेकिन इसका उत्तर सुन करके इनके मन में संतोष नहीं। जब अत्यधिक व्याकुल हो गए तब रात में वो स्वप्न देखते ही एक महापुरुष आए और ये महापुरुष ने इसका उन्होंने उत्तर दिया। सचमुच से दूसरे दिन देखा श्रीमन महाप्रभु वहाँ पर पधारे। तब उन्होंने महाप्रभु को प्रश्न किया बोले प्रभु आप कृपा करके बताओ कलयुग में साधन किया है और साध्य किया है। महाप्रभु ने बताया कलयुग में साधन भी ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में केवल एक ही साधन है ये हरि नाम, और कोई कलयुग में साधन नहीं। बोले साध्य किया है, साध्य मतलब हमारे जीवन का लक्ष्य किया है। बोले जीवन का लक्ष्य भी यही हरि नाम साधन भी यही और यही साध्य है। साध्य मतलब जीवन में प्राप्त किया होगा, भगवान का नाम ही जीवन पर प्राप्त होगा, क्योंकि जो भगवान का नाम है ये नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नाम भगवान, और उनका नाम में कोई फर्क नहीं। अब आँख बंद मत करना क्योंकि ये लोग सब लिख रहे हैं ना, किसको देख कर बोलना चाहिए। अब अकेले ये सब नोट बना रहे हरे कृष्ण। इसलिए कलयुग में साधन भी भगवान का नाम और कलयुग में साध्य भी भगवान का नाम है। इनकी जो तीसरा नंबर उपदेश है श्री कृष्ण संकीर्तन पाद दिल्ली मथुरावा साधु संग प्रभुति अंगई पूर्ण है ना, किंतु यदि केवल कृष्ण संकीर्तन करी ताहले तात्वरा मथुरा वैश्य फल साधु संगेर फल स्मृति श्रद्धार सेवन फल भागवत श्रवण फल सकल लाभ है नाम भजन जीवर सर्वार्थ सिद्धि। बुजन तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अगर कोई जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं नाम संकीर्तन मथुरावास श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन भागवत श्रवण है सकल साधन अंग के पंच अंग कृष्ण प्रेम उपज यार अल्पसंग, मतलब जो पांच दरगाह जो भक्ति की कोई भी एक अंग को थोड़ी सी श्रद्धा पूर्वक कर तो इसको द्वारा हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। अगर कोई बोले हम मथुरा वास करेंगे लेकिन हरिनाम कीर्तन नहीं करेंगे तो सब बेकार सब बेकार। अगर कोई बोलेगा भागवत कथा सुनेंगे लेकिन मथुरा वास नहीं हरिनाम कीर्तन नहीं करेंगे वो भी बेकार। कोई बोले ठाकुर की सेवा पूजा करेंगे लेकिन हरिनाम सेवा कर नहीं करेंगे वो भी बेकार है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति नियम है ये सबको साथ में हरिनाम को जोड़ देना पड़ेगा। मथुरा वास करो लेकिन मथुरा वास करते हुए किया करो भगवान की नाम जप करो, ठाकुर जी का अर्चन सेवा करो और उसको साथ में नाम संकीर्तन करो है, और भागवत कथा श्रवण करो उसको साथ में हरिनाम संकीर्तन करो, साधु संग करो और उसको साथ में हरिनाम संकीर्तन। सब चीज में ये हरिनाम संकीर्तन को जोड़ना पड़ेगा तभी वो सारे भक्ति का अंग सार्थक रहता है।
अगर कोई कुछ भी नहीं करे, अगर केवल हरिनाम कीर्तन करता है, केवल हरिनाम कीर्तन से ही कभी ये जितने सारे भक्ति का अंग ये हरिनाम कीर्तन के द्वारा ही जीव को प्राप्त हो जाए। अगर कुछ भी नहीं करे, केवल सारा दिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, इसलिए नाम भजन जीवन सर्व सिद्धि प्राप्त होता है। हरिनाम संकीर्तन से जीव का सर्व सिद्धि प्राप्त होता है। इसलिए बोले सकल साधन श्रेष्ठ यही कहते ना तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरापराध नाम लय ले पाए प्रेम। जितने भक्ति अंग में सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन अगर निरापराध को साथ में हरिनाम करते तो हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगा। उनकी चौथा नंबर उपदेश, चौथा नंबर में बताए सर्वदा ही सेवा करिवे वो मुखे हरिनाम करिवे। क्या करेगा बोले सर्वदा ही क्या करो, सेवा करो, हाथों में सेवा करो और मुंह में भगवान की नाम। इसलिए श्रीमन महाप्रभु गुंडीचा मंदिर मार्जन करते समय हाथों में तो मंदिर मार्जन कर रहे थे लेकिन मुंह में सब के सब भक्त लोग भगवान की नाम जब सब के सब नाम जब कर रहे थे। एक साथ में दो चीज लाभ है, सेवा के द्वारा सेवा का फल भी मिला और उसके साथ में जो हरिनाम किया उसके साथ में क्या हुआ भगवान के नाम भी हो, इसमें दो चीज लाभ है। इसलिए बोले सर्वन मुखे जिवा दो स्वयं बस पूरा, जैसे बैठ करके हरिनाम करो कभी कभी मन इधर उधर भागता है, कभी कभी मन इधर उधर जाता है लेकिन जब सेवा करते हो क्या हो गया वो ठाकुर की सेवा भी हो गई, ठाकुर जी की सेवा भी हो गई और उसको साथ में ठाकुर का नाम भी हो गया, आपका डबल लाभ उसमें आपके डबल लाभ। इसलिए हरि नामाश्रय करी जतन तुम्हें ठाकुर अपना काजे, भगवान का नाम को आश्रय करते हुए और भगवान की घर अपना काम में लगे रहो और भगवान के नाम जप करते रहो। इसलिए गोपियाँ जब कोई सेवा करती थी हाथों में तो कृष्ण सेवा करती थी लेकिन मुंह में क्या करती थी बोले गोविंद दामो धर्माधवे की, गोविंद दामो धर्माधवे की, गोविंद दामो परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तनम यही गौड़ीय मठ एकमात्र उपास्य। हम लोग जो गौड़ीय है इन लोगों का उपास किया है बोले परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तनम, मतलब कृष्ण संकीर्तन की परम विजय ते श्रेष्ठ रूप में जय जयकार हो, भगवान के नाम की सर्वश्रेष्ठ रूप में जय जयकार हो, यही गौड़ीय वैष्णव का मूल उपासना। मतलब है जो हरिनाम जो संकीर्तन ही हमारी गौड़ीय मठ का सर्वश्रेष्ठ उपासना। इसलिए श्रीमद चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को है श्री हरिदास ठाकुर को उन्होंने नाम आचार्य उपाधि दी, नाम का ये आचार्य है। अगर कलयुग में अगर किसको फॉलो करना है कैसे हरिनाम करनी चाहिए, हमें किसको फॉलो करनी चाहिए बोले श्री हरिदास ठाकुर जी को हमें फॉलो करनी चाहिए, नाम का ही आचार्य है। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर जैव धर्म में कहते हैं, जैव धर्म में बताए जब शुद्ध नाम करनी चाहिए, शुद्ध नाम से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, लेकिन शुद्ध नाम होगा कैसे बोले 10 तरह का नाम अपराध को त्याग करना, त्याग दे करके जब हरिनाम करेंगे तब क्या होगा शुद्ध नाम होगा। तब भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं 9 तरह का जो अपराध है अगर हम बड़ी कोशिश करें एकदम सावधानी होकर के सिंसियर होकर भजन करें हम 9 तरह का अपराध को त्याग दे सकते हैं। जैसे गुरु जी की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, वैष्णव चरण में अपराध
अपराध नहीं करनी चाहिए। भगवान का नाम को जो महिमा बताया गया, नहीं ये तो नाम की महिमा को बढ़ा चढ़ा करके बता दी, ये नहीं बोलनी चाहिए हैं। एक कृष्ण नाम जितने पाप हरे पाप साधना है तत पाप कर, एक कृष्ण नाम में जितने पाप नष्ट हो जाए पापी का हिम्मत नहीं उतना पाप कर सके, कोई बोले नहीं ये तो बढ़ा चढ़ा कर बोलती है। और भगवान को साथ में शंकर जी को ब्रह्मा जी को बराबर करना, विष्णु को साथ में दूसरे देवादेव को बराबर करना, ये जो दस तरह का अपराध बताया, अगर कोई कोशिश करेगा ना ये चीज़ को छोड़ सकता है, लेकिन जो कहते जो एक अपराध छोड़ना बड़ा कठिन है, बोले वो कौन सा अपराध है, कहते शरीर में मैं और मेरा, ये शरीर में नहीं हूँ और ये शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं है, ये मैं मेरा ये तेरी यही माया है, कभी ये चीज को छोड़ना पड़ा कठिन, शरीर का आवेश को छोड़ना बड़ा कठिन है, ये माया छोड़ा कठिन है। बोले गए रे फिर क्या किया जाए, फिर अपराध जिसका मुक्त नहीं हो सकते हैं, बोले हाँ एक उपाय है। बोले क्या उपाय है, कहते अगर कोई व्यक्ति 24 घंटा नाम करता है, 24 घंटा, इसलिए महाप्रभु बोले कि शयने की भोजने की वा जागरणी अहर्निश चिंत कृष्ण भोग, इसलिए महाप्रभु बोले कि शयने सोते समय, बोले सोते समय तो हम सो जाते हैं हरिनाम कैसे करेंगे, भोजन करते समय करो हैं, इसलिए चलते उठते करो, लेकिन सोते समय कैसे करते तो सो जाते हैं। कहते आप देखना तीन भर जो काम करोगे ना, आप 1,00,000 हरिनाम करो, आप देखना 1,00,000 हरिनाम करेंगे, आप देखना सोते समय भी, क्योंकि 6-7 घंटा देना पड़ेगा, अगर कोई 2,00,000 हो 3,00,000 हरिनाम कर दो तो क्या कहना है, अगर 1,00,000 हरिनाम करना देखना कोशिश करते हैं किसी तरह से 1,00,000 नाम पूरी करके हम विश्राम करें, देखना जब सोओगे ना, क्यों देखना दिन भर जो चीज़ का आप चिंतन करोगे, आप जब सोओगे वही स्वप्न में, वही चीज़ स्वप्न में आती है, वही चीज़ स्वप्न में आती है। इसलिए कहते ऐसे अगर कोई हरिनाम करता है बल उसका सारे अपराध, उसका समय नहीं मिलेगा, शरीर में और मेरा भाव सोचने का उसमें समय नहीं मिलेगा अपराध, क्योंकि तो 24 घंटा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसमें समय नहीं। हाँ एक उदाहरण दे समझाए, जैसे पृथ्वी से हम पानी निकालना चाहते, अगर कोई व्यक्ति एक जगह पर गड्ढे खोदते 1 फुट पानी नहीं निकला, भले यहाँ पानी है नहीं, और एक जगह पर 2 फुट गड्ढे खोदते जगह पानी नहीं निकला, भले ही पानी नहीं, तीसरे जगह पर गए 4 फुट गड्ढा खोद दिया पानी नहीं निकला, भले याद नहीं, और एक जगह पर गए 5 फुट गड्ढा खोद दिया पानी नहीं, और एक जगह पर गया 3 फुट खोदा, अगर ये पृथ्वी को खोद डालोगे ना पानी निकलेगा नहीं निकलेगा, फिर पानी कैसे निकलेगा, एक जगह पर खोदते रहो जब तक पानी नहीं निकलता ना तब तक ये सब खोलते रहो, खोलते क्या होगा, एक दिन नीचे से पानी निकल कर आ जाए। इसका मतलब क्या है, मतलब है जैसे हम लोग का भजन कैसे करें, जैसे भजन हम क्या थोड़ी सी माला 1-2-4 माला कर दिया छोड़ करके फिर चले गए करके फिर दूसरे काम में लग गए, और मन क्या हुआ हरिनाम करते समय उस समय भी तो मन इधर उधर में भटका, और जब उसको बाद में मन को जब और कहीं लगाया मन उसमें ही लग गया, तो हरिनाम भूल गए कि नहीं, हरिनाम भूल गए और कोई काम किया तो सेवा होने पर भी कल काम सेवा किया फिर क्या किया उसको लग गया फिर उसमें मन लग गया, पर जो नाम वो जो एक निरंतर जब वही वो टूट जाने पर हैं फिर थोड़ा हरिनाम किया माला रख लिया रख करके फिर इधर उधर बात फिर लग गए तो क्या हुआ मन उसमें लग गया, कहते भैया ये कृष्ण प्रेम इससे नहीं मिले, कृष्ण प्राप्ति से नहीं होगा, कैसे करना पड़ेगा, बोले गड्ढा खोदते रहो जब तक पानी नहीं निकलता है ना तब तक गड्ढे को खोदते रहो, खोदते 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 बाहर
इसका मतलब क्या है कि जो साधन है, है? जो साधन है ये कंटिन्यू, इसलिए हमारे जो माधुर्य कादम वहाँ पर सो वर्णना किया विश्वनाथ शंकर वहाँ पर प्राय हैं कहते हैं क्या उसको मिलता है प्राय और एक देशवर्तिनी बहुदेशवर्तिनी प्राय पूर्ण आतंत्य की पूर्णा उसमें सब थोड़ी 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 बताया है हैं अनर्थ कैसे थोड़ी सी नष्ट हुआ और थोड़ी सी नष्ट हुआ और थोड़ी सी कैसे पूर्ण रूप में अनर्थ नष्ट हो जाए हैं इसलिए पूर्ण रूप में अनर्थ नष्ट इसलिए उसमें विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने माधुर्य गात्मक ग्रंथ में ये सब चीज़ को बताया था बताया बहुत अच्छे तरह से ये अनर्थ जब तक नष्ट नहीं हो जाएगा हृदय से हैं तत्व गुरु का लीला कैसे स्फूर्ति इसलिए रुचि अवस्था में किया निष्ठा भी किया आसक्ति अवस्था में किया है उसको शकुन ने वर्णना किया जब आसक्ति अवस्था आता है उसमें कैसे मन संपूर्ण रूप में क्या होता है विषय से हट जाता है विषय से हट जाती है लेकिन कभी कभी जो मन है विषय में कभी कभी ये मन विषय में जाती है कभी कभी मन ये विषय में जाती है लेकिन जब उसको भावावस्था आता है उसको क्या करता है मन अगर एक सेकंड के लिए भी कहीं गया उसको पता चला अरे मेरा मन तो उधर चला गया वो मन को क्या करता है खींच करके फिर ले आता है ला करके भजन में लगाता है लेकिन बद्ध जीविका की अवस्था पतंग उड़ाएगा और देखना जैसे पतंग उड़ा दो जैसे छोड़ दो ना वो एकदम खींचते हुए धागा को खींचते हुए एकदम पूरा धागा खींच करके पूरा के पूरा ले जाता है हमारे मन में ऐसे हरिनाम कर रहे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरिनाम कर रहे हरिनाम करते करते हमारा मन और किसी जिसको साथ में यार दोस्त होगा चला गया हरिनाम तो कर रहे हैं उसको कहते रसास्वाद क्या है हरिनाम मुंह में चल रहा है हाथ में चल रहा है लेकिन हमारा मन किसी सिनेमा हॉल में किसी यार दोस्त को साथ में चला गया तो स्मार्टफोन में चला गया बस रसास्वाद मतलब होता है इधर तो मुंह चलता है हाथ चलता है लेकिन जो मन है ना और किसी चीज़ का आस्वाद हाँ उसको साथ में मिलते तो उसको साथ में बात करते तो गोल गप्पे खाते तो चार पास्ता खाते तो बस इधर खा रहे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 कहते ये फिर तो भजन कहाँ हुआ भजन हुई इसलिए वो भजन हुई इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती इसलिए जो माधुर्य कादंबरी ग्रंथ है ना वो हमारी संप्रदाय की इतनी प्रटाट करते हैं तो इतनी महत्वपूर्ण करते हैं इसलिए ये ग्रंथों को एक बार पढ़ने जीवन में चाहिए नहीं तो क्या होता है ना साधन थोड़ी सी कुछ करने लग गया ना बोले हम तो सिद्ध हो गए हम तो बड़े भगत हो गए लेकिन अगर वो ग्रंथों को आप पढ़ोगे तो जैसे दूध है ना एक ब्यार मीटर होता है उसमें डाल दो वो बता देगा इसमें कितना दूध और इसमें कितना पानी वो सारी बात को बता देगा सारी बात को वो बता देगा कितना दूध पानी अगर वो ग्रंथों का आप पढ़ोगे फिर आपको पता चल जाएगा भैया अभी साधन में कौन सा जगह पर अभी हम हैं वो ग्रंथ हमें आँखों में अंगुल लगा करके वो दिखा देता है इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं हमारी गौड़ीय मठ का जो मूल जो साधन है क्या है कि भगवान का नाम है कि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इसलिए इधर हाथों में सेवा करते रहो और मुंह में हर समय हरे कृष्ण नाम करते रहो उसमें आपको डबल लाभ होगा उसमें डबल लाभ हाथ में काम और मुंह में भगवान की नाम इसलिए कहते ये प्रभुपाद का ये पंचम नंबर उपदेश है कहते छठवा नंबर क्या है बोले कीर्तन मुख ही श्रवण है एवं स्मरण सुजग उपस्थिति है जे काले अष्ट काले सेवार अनुभूति संभव इसमें बताए कीर्तन मुख ही श्रवण है स्मरण सुजग है
कहते कीर्तन करने से, जैसे भाग जब श्री सुखदेव परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न, अतः पृच्छामि सर्व सिद्धि योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कर्तव्य म्रियमाणस्य सर्वथा। कहते एक दिन इस सबको मरना है, जगत में कोई नहीं बता सकता है हम मरेंगे नहीं। और ये भी प्रिय माणस है, मतलब ये भी गारंटी कब मिल जाए, मतलब अभी जो मरने वाले, मतलब कोई नहीं बता सकता हम कितने दिन तक जिंदा रहेंगे, ये भी कोई नहीं बता सकता है। एक दिन किसी समय भी हम मर सकते हैं, सबका मरना और किसी समय भी हम मर सकते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, और अतः प्रचामि सर्व सिद्धि, इसलिए जगत में ऐसे कौन सा वस्तु जिसको पाने पर जीव को सब कुछ जीवन में मिल जाए, और उसको जीवन में ये नहीं लगे नहीं अब तो ये मिला नहीं, ये चीज़ पानी चाहिए नहीं, उसका हृदय संपूर्ण तृप्त हो जाए, एकदम मेरे को जीवन में सब कुछ मिल गया आप कृपा करके बताओ। तब उसको उत्तर में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले तस्मात सर्वात्मना भारत भगवान हरिश्वर श्रोतव्य कृतितव्य स्मर्तव्य इच्छता भय। अगर इस जगत में कोई अभय बनना चाहते हैं, जीवन में कोई डर भय जीवन में हमारे कुछ नहीं रहे, अभय बनना चाहते उसको क्या करने चाहिए, तस्मात इसलिए सर्वात्मना भारत है, उनका नाम क्या बताए, भारत, भारत मतलब भार मतलब प्रकाश, रत जो हर समय प्रकाश का तरफ में रत रहते हैं, इसलिए हे भारत जो हर समय प्रकाश में रत रहते हैं उनको क्या करनी चाहिए, भगवान हरि ईश्वर, मतलब भक्ति दो तरह का है, कहते एक भक्ति है वैदिक भक्ति और एक है राग भक्ति। कहते जो वैदिक भक्ति करने वाले हैं सर्व भगवान हैं, भगवान हरि ईश्वर, इसलिए कहते वो किसको भक्ति करते हैं, भगवान को ईश्वर मान करके, भगवान को सर्व कारण का कारण मान करके, उनको घटघटवासी परमात्मा मानकर भजन करते हैं। लेकिन जो राग भक्ति करते हैं उनको क्या करते हैं, उनको हरि मान करके, ये हमारी कोई सखा है, कोई हमारी बेटा है, प्रियतम है, इसी भाव से भक्ति करते हैं। इसलिए उनको क्या करनी चाहिए, तीन काम करनी चाहिए, श्रोतव्य कृतितव्य स्मर्तव्य इच्छता भय। तीन काम क्या करनी चाहिए, पहला नंबर उनको भगवान की कथा सुननी चाहिए, दूसरा नंबर उनको कीर्तन करनी चाहिए, और तीसरा नंबर क्या, भगवान को स्मरण करना चाहिए। उनको तीन काम, भगवान की कथा सुना, कीर्तन कर और उनको स्मरण कर। लेकिन इसमें जो कीर्तनार्थ जो भक्ति है उनने बीच में रखा, श्रवण कीर्तन और स्मरण, ये कीर्तन को उन्होंने बीच में रखा। बोले कीर्तन को बीच में क्यों रखा, कहते जैसे श्रवण कीर्तन स्मरण इसलिए बीच में रखा कि जो बीच में जो व्यक्ति है ये दोनों को मदद कर सकता है, लेकिन ये इसको मदद नहीं कर सकता, ये इसको मदद नहीं कर सकता, लेकिन जो बीच में जो व्यक्ति ये दोनों को मदद कर लेता है, जब दोनों को पास पास में हैं, इसलिए कहते जब आप कीर्तन करते हैं आप देखना, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जब कीर्तन किया उसको क्या हो गया, कान में सुनाई पड़ा, कीर्तन तो हो गया और कान में सुनाई भी वही पड़ा, जो सुनाई पड़ेगा, कहते स्मरण क्या करोगे, वही चीज को तुम स्मरण करोगे, जो सुनोगे जो बोलोगे वही तो स्मरण करोगे। इसलिए ये कीर्तनाख्य भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताए, और ये कारण बताए, जैसे कथा सुन रही, देख कथा सुनते कोई अभी सो रहे थे, कथा सुनते से आग झप रही थी, लेकिन आप देखो जब कीर्तन करते हैं ना नींद आएगी, जैसे आप यहाँ कथा में बैठे हो, लेकिन कभी कभी कथा में बैठे हो बैठते ही यहाँ पर, लेकिन कभी कभी मन और नहीं होता, मन और नहीं चलिए, यहाँ वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप देखना कीर्तन कर लो मन कहीं नहीं जाएगी, अब जोर जोर से कीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
चेला ने कहा भैया गुरुदेव क्लास दिया महाप्रभु बोले एक लाख हरिनाम नहीं करेंगे तो भगवान की ग्रहण नहीं करेंगे। बात सवेरे से महाराज बैठी थे गुरुदेव ने देखो मंदिर ही है अभी मंदिर तो भिक्षा से चलता है। गुरुदेव ने कहा बेटा जाओ कुछ भिक्षा करके ले आओ। बोले गुरु जी आप बताए ना एक लाख नाम पूरी किए बगैर महाप्रभु जिसका हाथ का खाना नहीं खाते अभी तुम्हें माला से बांध हरी से माला से बांधा है। गुरुदेव खुद गए भिक्षा करके लाए। बोले बेटा थोड़ी थोड़ी रसोई बना तो बोले गुरुदेव माला ही पूरी नहीं नामे अच्छी हाँ अभी हम नामे अच्छी मतलब नाम अभी हमें नाम में हो नाम सेवा करना। गुरु जी ने रसोई बना दी। गुरु जी ने कहा बेटा पर ठाकुर को भोग लगा दे तो बोले गुरुदेव अभी तो नाम में हाँ अभी नामे अच्छी मतलब नाम में सेवा में पूरी हुई नहीं। गुरुदेव खूब भोग लगाए। बोले बेटा अभी थोड़ा आसन तो कर दो बेटा थोड़ा आसन तो कर दो अभी बोले गुरुदेव माला अभी पूरी होने वाली है माला भी पूरी होने वाली है अभी गुरु जी स्वयं आसन बिछा दिए। बोले बेटा पत्थर का दे दो बोले गुरु जी अभी अभी माला पूरी होने वाली पूरी गुरु जी स्वयं पत्थर दे दिया। बोले बेटा भोजन करने के लिए तो आ जाओ बोले गुरु जी आपका सारे आदेश तो मैंने उल्लंघन किया पालन नहीं किया ये लास्ट आदेश तो पालन कर लूँ बस बैठ गए प्रसाद पा लिया फिर माले फिर माला ले इसलिए कहते नहीं ऐसे नहीं। इसलिए हमारे सप्तम स्कंध में लास्ट में बताया ब्रह्मचारियों को क्या करनी चाहिए। बोले ब्रह्मचारियों को रोज आश्रम से बाहर जानी चाहिए भिक्षा के लिए उनको रोज जानी भिक्षा चाहिए भिक्षा के लिए। कहते उतना भिक्षा करो जो कि गुरुदेव गुरुदेव का भी हो जाए और अपना भी हो जाए। इतना भिक्षा करनी चाहिए रोज बाहर में जाकर के। और शिष्यों के लिए बताए गुरु जी को सुलाने का बाद सोए पहले नहीं सो जाए गुरु जी से पहले नहीं सो जाए गुरु जी को सुला करके सेवा करके सोए। और गुरु जी उठने से पहले उठे उठ करके जैसे पहले दांतन होता था ना दांतन लोटे में पानी उनके लिए पानी की व्यवस्था रख करके फिर उठने से पहले उठे हैं और सोने से बाद में फिर सोए। आज रोज नीचा में जाए गुरु जी की कभी रीढ़ी नहीं बचनी चाहिए। ऐसे नहीं गुरु जी चेला बनाए चेला बोले गुरु जी हमें चेला क्यों बनाए आप खाना नहीं खिलाएंगे हमारी सेवा नहीं करके तो चेला क्यों बनाए। नहीं गुरु जी की सेवा नहीं लेनी चाहिए जितने हो सके गुरु जी की सेवा करनी चाहिए कभी उनसे रीढ़ी नहीं होनी चाहिए। और उतना हम जो प्रसाद पाते विषय जो पैसा देते ना विषय कितना विषय अर्थ खाइले मलिन है मन मलिन खाइले मन ना है कृष्ण स्मरण। कभी कभी हमारा मन इधर उधर भटकता क्यों कारण क्या है भजन के लिए तो घर बार छोड़ कर क्या है पर इधर उधर क्यों हमारा मन भटकता क्योंकि हमें उतना भिक्षा व उतना सेवा साधन करनी चाहिए। जो एक व्यक्ति पैसा हमें दिया व हमें कोई आटा चावल दिया वो ऐसे नहीं दिया दस रुपया जो घुमा घुमा कर दिया है ना ठाकुर जी मेरे घर में ये विपत्ति है बेटा का ये बीमारी है संसार में ये दुख कष्ट है हमारे ठाकुर जी दूर हो जाए ना दस रुपया उन्होंने जो घुमा करके दिया दस रुपया नहीं दिया वो घर का सारे दुख कष्ट हमें दिया है। अगर वह चीज को अगर वह चीज अगर ठाकुर को सेवा में लगना है गुरु वैष्णव सेवा में लगता है फिर तो वो हजम हो पाएगा नहीं तो वो हजम होना बड़ा कठिन। इसलिए क्या करनी चाहिए हमें उतना भजन करनी चाहिए हमें हरिनाम करनी चाहिए। पहले तो जो हमें दे रहे हैं उसका ऋणी हम बनते हैं इसलिए उनको ऋणी चुकानी चाहिए। और उतना भजन करने से अपने को तो बैलेंस भी हो जैसे दस रुपया कमाए अगर बीस रुपया तुमने खा लिया फिर क्या हुआ दस रुपया गया है ना। लेकिन अगर दस रुपया कमा कर पाँच रुपया खाए ना दस रुपया तुम्हारे बैलेंस में दस रुपया रहा। ये चीज को गुरुदेव कहते थे बड़े ब्रह्मचारियों को बड़े सावधानी रहनी चाहिए बड़े इसलिए भिक्षा के अर्न आ रही है। इसलिए कभी कभी हम साधारण भजन में अगर सिंसियर नहीं होंगे तभी क्यों मंदिर में अगर घर में नहीं परिचित जाते हैं वो तो भजन के लिए सब छोड़ कर के आए ये सिंसियर नहीं हुए भजन साधन में सिंसियर नहीं हुए। इसलिए गुरुदेव कहते थे इस चीज़ को बहुत ध्यान देना चाहिए। गुरुदेव और कथा सुनाते हैं
दो गुरु भाई थे, तो गुरु भाई थे तो घूमते घूमते गए किसी सेठ होकर। जब सेठ होकर तो सेठ बड़े साधु सेवा करने वाले हैं, वो सेठ बड़े साधु सेवा साधु देखे तो उसको पता है ना साधु सेवा करने से इनके हृदय में ठाकुर जी है, इनकी सेवा करने से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। दो गुरु भाई गए, एक थोड़ा लालची था और एक बड़ा सिंसियर था। अभी रोज मूंग डाल के हलवा, पूरी आलू गोभी की सब्जी और रसमलाई रोज बढ़िया बढ़िया खिलाए। और जो जो लालची थोड़ा था, वाह बढ़िया सेवा हो रहा है भैया, ये जगह छोड़कर मैं नहीं आऊँगा। लेकिन जो सिंसियर भजन में था ना, बोले भैया गुरु भैया चलो, बोले इतना रोज रोज सेवा कर रहे कहाँ जाओगे, कहाँ दर दर भटकोगे। बोले देख ये जो खिला रहा है ना, वो खिला नहीं गए, तुम्हारा जो थोड़ी बहुत साधन भजन जमा है ना वो ले रहा है, वो ऐसे नहीं खिला रहे। साधु को क्यों खिलाते, ये भजन करते हैं, इनको खिलाने से इनकी पुण्य हमें मिलेगी, तभी तो खिला रहे। ऐसे नहीं खिला कोई खिला देते हैं, इसलिए इसीलिए खिला रहा है साबदार। इसलिए तो भैया मैं तो जा रहा हूँ, तू रहना तो रहा, नहीं अगले जीवन में तू इस घर में बैल बन करके आओगे। बोले इस घर में तू बैल बन करके आओगे, देखना जो खेती करते ना बैल को घोड़े को पीटियों पर काम कर, क्यों घर में गद्दे बन कर क्यों, पहला जन्म का ऋणी चुका रहा है, पहला घर का ऋणी जो लिया है, इसलिए बैल बन करके आया, गद्दा बन करके आया, इसलिए घोड़ा बनकर पहले जन्म का ऋणी चुका रहा है यहाँ। इसलिए अगर हम साधु बनकर साधन वजन नहीं करके ना, फिर अगले जीवन में कहीं थोड़ा गद्दे भर बन करके हमें ऋणी चुकाना पड़ेगा। इसलिए साधु सावधान, इसलिए मंदिर में रह करके ठाकुर का सेवा पूजा हरिनाम भक्ति हमें एकदम सिंसियर रूप में करनी चाहिए। भिक्षा किसी सामान आ रहे खा रहे सो रहे नहीं, सावधान होकर के गुरुदेव की कथा गुरुदेव सुनाया कर सावधान, उतना भजन करो जिसका उसका ऋणी चुका करके जिससे खा रहे हो, कुछ ब्यालस भी तुम्हारी होनी चाहिए, जो दे रहे हैं वो ऐसे तुमको नहीं दे रहे, वो सारे कामना वासना के साथ में वो दे रहे। इसलिए गुरुदेव बोलते साधु सावधान। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहते नाम उच्चारण के ही भक्ति बोलिया जानी रहे, कहते भगवान का जो नाम ही है जब हम शुद्ध नाम करेंगे, इसलिए हमें वृद्धावस्था में भगवान की सेवा को साथ में नाम करनी चाहिए। जब धीरे 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 मन हमारे प्रभु का नाम में करते समय मन इधर उधर नहीं जाए, मन नाम लग जाता है, फिर नाम को लेकर के हमें ज़्यादा से करनी चाहिए। लेकिन पहला अवस्था में सेवा को साथ में हरि नाम हमें ग्रहण करनी चाहिए। लिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल, श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। बोल हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम hare krishna hare krishna 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 hare 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 rama 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 hare 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 krishna hare rama krishna krishna hare 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 rama 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 hare 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 hare
श्रीधर महाराज जी का तिरुभाग, तिरुभाग